निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तानी बनाए हुए चित्त अस्मिता मात्रात् केवल अस्मिता से होते हैं। पूर्ण अनुवाद, निर्माण हुए चित्त अस्मिता अहं तत्व से होते हैं। सो दिस अस्मिता इज नॉट द अस्मिता क्लेश दैट वी हैव स्टडीड, दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज अहं तत्व वाला अस्मिता। व्याख्या, पहले बताया गया है कि प्रकृति तीन गुणों से युक्त है तथा इसके साथ जब पुरुष अर्थात चेतन तत्व का संयोग होता है तो महत तत्व की उत्पत्ति होती है। समष्टि में जिसे महत तत्व कहते हैं, व्यष्टि में वही चित्त है। यह चित्त ही अस्मिता है जिसमें मैं भाव आ जाता है तथा अपना स्वतंत्र रूप समझने लगता है। सो समष्टि इज अ लार्जर मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो में जो समष्टि में महत तत्व है वो मैक्रो एज ए इंडिविजुअल लेवल चित्त है, ऐसा उसको समझेंगे। ऐसा इनका कमेंटेटर का कहना है। हाँ, ऐसा वो कमेंटेटर कह रहे हैं। यह चित्त की अस्मिता है जिससे मैं भाव आ जाता है तथा अपना स्वतंत्र रूप समझने लगता है। ऐसा समझने के कारण अविद्या का कारण अविद्या ही है। इस सूत्र में यही कहा गया है कि यह समष्टि चित्त महत्तत्व की अहं के कारण व्यष्टि चित्त हो जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति का चित्त भिन्न भिन्न ज्ञात होने लगता है। इस सूत्र में निर्माण चित्त बनाए हुए चित्त से तात्पर्य व्यष्टि चित्त है तथा यह महत्तत्व है समष्टि चित्त है। इस सूत्र में निर्माण चित्त से तात्पर्य व्यष्टि चित्त है। सो निर्माण चित्त इज बनाया हुआ चित्त जिज एस्टैब्लिश्ड बाय द साधना प्रैक्टिस, दैट इज द व्यष्टि चित्त, तथा यह महत तत्व समष्टि चित्त है। बराबर ना, इज दैट? हाँ, दोनों एक ही है किंतु अस्मिता अहम भावना के कारण व्यष्टि चित्त उस महत तत्व से भिन्न प्रतीत होने लगता है। यह भ्रांति भी उसी प्रकार की है जैसे आत्मा अर्थात व्यष्टि चेतन तथा परमात्मा समष्टि चेतन को भिन्न समझने की भ्रांति तथा आत्माओं का को अनेक मानना। यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे, तो अगर कोई डिस्कशन है, कोई प्रश्न है इसमें और कुछ जानने की इच्छा है तो ये लास्ट जो है वो थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा, whether the सूत्र says that or the commentary। I think ये जो है ना, इसकी जो कमेंट्री जो हिंदी में है वही मैं मराठी में बोलना चाहूंगी, जो कुल्लट करने कहा है उसमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी लगा मुझे, क्योंकि आज मैंने जब कोलट कर का पढ़ा तभी, इसलिए मैं कोलट कर की पुस्तक भी लेके आई हूँ। चित्त परिणाम, चित्त व्यष्टि, चित्त जो है, मैंने फर्स्ट जो है व्यष्टि जो है, ये कमेंटेटर का कहना है, सूत्र डज नॉट से दैट, सूत्र सेज निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा कह रहा है ना, बनाया हुआ चित्त अस्मिता मात्रा। हाँ, अस्मिता मात्रा है तो इसका मतलब ये जो महत्त्व है यो उसी को सर हैज टू अटेंड सम ऑफिशियल वर्क ऑफ आवर सोसाइटी, सो इज गॉन देयर। हम लोग ये सूत्र का, मैंने जो कोल्लटकर की पुस्तक में पढ़ा था उसको देखना चाहूंगी। गो, वेलकम। सो आई विल जस्ट रीड, एंड दीपा यू ऑल्सो हैव गॉट योर डोंट लॉक इट, या आई एम नॉट लॉकिंग मींस क्लोजिंग द मीटिंग। You want to return to any time? So you are not returning? Yeah, I have a 5:30 class. Yeah, okay, fine. So you are coming back, na?
So you can also refer to Aranyak, and I will refer to this. What the sutras that we have read today, I will refer all of them through Ullatkar, and I will parallelly speak in English also about it. तो आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना? So we have started from Sutra 50 today. So in Sutra 50, what Kollatkar is saying is this. वरील दोन्ही फलांविषयी वैराग्य उत्पन्न झाले असता अविद्या काम कर्म या दोष त्रयांचे बीज असलेला जो दृष्टुदृश्य संयोग त्याचा नाश होऊन पुरुषास कैवल्याचा लाभ होतो. सो दिस सूत्र 50 इज टेलिंग अस हाउ वी आर कमिंग क्लोज टू कैवल्य, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन सूत्र 50. तो उसमें फल कौन से फल, that is awareness of the purusha and prakriti, what we have learnt in the previous shloka, the sutra, that is 49. Sattva purushanyata khyati matra sarva bhava adhishthatrun, wo jo sutra tha. To usme batayega kya gaya hai, avidya kaam aur karma ye dosha tray ka jo bij hai, us dosh ka मेरे चित्त में और मेरे बीइंगनेस में अविद्या है, काम है और कर्म है. ये मेरे दोष त्रय यानी कि तीन दोष है पर्सनालिटी में, अविद्या काम और कर्म. ये क्यों है? क्योंकि माय एसोसिएशन विद प्रकृति इज देयर, दैट इज व्हाई दीस थ्री दोषेस आर देयर. और ये दोषों का बीज क्या है? तो दृष्टु दृश्य संयोग, विच इज इन द सूत्र इट इज दोष बीज क्षये. तो दोष यानी कि ये तीन दोष, और ये दोषों का बीज क्या है? तो प्रकृति एंड पुरुष इज वन, ये समझना, ये समस्या का जड़ है. क्योंकि ये दोनों अभिन्न है, ये भिन्न है, और इनको अभिन्न समझना यही समस्या का जड़ है, विच इज अ बीज, दोष का बीज है ये यहाँ पे कहा गया है. और ये जब दोष का बीज का मुझे ख्याल आ जाएगा, जब ये दोष का बीज है ये मुझे समझ में आएगा, तभी पुरुष को कैवल्य का लाभ होगा, ये यहाँ पे कहा गया है. Have I made it clear? Please show your faces, dear soul. आपका चेहरे का एक्सप्रेशन भी पता चले ना बातें करते करते. Come on the video everybody. समझ में आया है ये? Yes, तो बोला yes, मैम समझ आ गया. हाँ जी समझ आ गया मैम, बहुत अच्छा. चलो अभी 51 इस दीपा, इफ दिस वन अरण्यक हैज गॉट एनीथिंग डिफरेंट यू प्लीज पिच इन दैट, स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो. हाँ हाँ स्थान्युपनि मंत्रणे संगस्मया करणम पुनर अनिष्ट प्रसंगात. तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्थानिन योग्याच्या तपामुळे प्रसन्न झालेले देव त्या योग्याला अनेक दिव्य भोग भोगाव्यासाठी उपनिमंत्रण करतात, म्हणजे त्याने त्या भोगांचा स्वीकार करावा अशा विषयी त्याची प्रार्थना करतात. सो जो डिफरेंट गॉड्स है या डिवाइन सोल्स है, डिवाइन बीइंग्स है, दे आर डिस्ट्रैक्टिंग दिस योगी हु इज डूइंग साधना and inviting him towards to share the same platform with them. ऐसा ये कह रहे हैं. देवानी अशी प्रार्थना केली असता योग्याने त्या भोगांविषयी त्या आपल्या चित्तात संघ, संघ इज शेअरिंग द सेम प्लॅटफॉर्म विथ द देवस, वो अवॉइड करना है. जिससे क्या होगा, योगी के चित्त में आसक्ति पैदा नहीं होगी. किंवा देव ही मला भोग भोगण्यासाठी निमंत्रण देत आहेत, तेव्हा माझ्या ठिकाणी केवढे तपस्सामर्थ्य झाले आहे, अशा रीतीने स्वतः बद्दलची धन्यता यानी कि स्मय यानी कि अपने बारे में प्राइड, इगो प्राइड, इगो बूस्टिंग ये भी नहीं होना चाहिए. यानी कि ये दोनों ही अवॉइड अगर कर सकेंगे, यानी कि संग गॉडली बींग के साथ संग, और मैं उनके इनके उनके लेवल का हो गया हूं, ये ईगो, ये ऐसा अगर नहीं कर पाया तो अच्छा है, अगर वे कर लिया तो पुनर्निष्ठ, दैट इज पुनः अनिष्ट. व्हाट इज अनिष्ट? गेटिंग कनेक्टेड एसोसिएटेड विथ प्रकृति.
because the entire energy is to that means he will be going towards bhoga, whereas he is on the path of upper varga. I want to add here. Aranyaka also says that you will also be invited by apsaras. Then you will have kalpa vruksha, which gives you anything you desire. Then he is also referring to the holy river Mandakini. Okay. Which will fill your desire. These are like distracts to come in your way, but please do not pay any heed. So on a distracted by all. Yes, on a lighter note, हम लोग के आम आदमी के जीवन में भी कोई आगे जाता है तो उसका पांव खींचने वाले लोग रहते तो गॉड्स भी रहते आसन तो इंद्र का भी डोलता है ना. इंद्राचा पण आसन डोलायमान हो. इंद्राचा भी आसन डोलायमान हो जाता है तो फिर उसको भी आपको पीछे लेना पड़ेगा. ओके फाइन. सो गोइंग टू द नेक्स्ट सूत्र 52. My God, if anybody is knowing Marathi and he wants to read Kollatkar on Sutra 51, he has written a commentary of 3, 4, 5, 6, 8 to 10 page ka commentary unhone likha hai. Hum log wo sara skip kar rahe hain. Next 52. Kshana tatkrama yoho sayamad vivekanjan jnanam. क्षण तत् क्रम योहो, दैट इज क्षण एंड क्रम, ये दो का संयम एंड उससे विवेकजम ज्ञानम. दिस इज द कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग हियर. कालाचा अति सूक्ष्म भाग म्हणजे क्षण. सो द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ टाइम इज मोमेंट एंड पूर्व क्षण, अ मोमेंट प्रायर टू मोमेंट, आणि उत्तर क्षण, अ मोमेंट पोस्ट टू मोमेंट. असा अखंडपणे चाललेला क्षणांचा प्रवाह हा त्यांचा क्रम होय. सो मोमेंट, अ प्रायर मोमेंट अँड अ पोस्ट मोमेंट, सो देर आर थ्री मोमेंट्स. सो ये तीन का जो क्रम है, ही इज रिफरिंग टू दॅट ऑर्डर सिक्वेन्स. आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? येस. वस्तूतील सूक्ष्म भेदांचे ज्ञान होण्याला कारण असलेली जी शक्ती, तो विवेक होय. सो विवेक इज एबिलिटी टू बायफर्केट द मायन्यूटेस्ट डिफरन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. क्षण आणि त्याचा क्रम यांच्यावर संयम केला असता ह्या विवेकापासून उत्पन्न होणारी वस्तूची भिन्नता जाणणारे ज्ञान होते. So when the yogi is able to concentrate on the moment, you can see me? My screen somehow got changed. Haan. I can see you. Yeah. So kshan ani tyacha kram yanchyavar sanyam kela asta ya viveka pasun utpanna honari vastu chi bhinnata jannare jnan hote. So if a yogi is able to concentrate on a moment, and he is able to differentiate between a moment prior and moment next, his concentration is so much, then that means he has got even a knowledge to differentiate between the two kshana. So it is like this. Apne imagine apne ghar mein doodh hai aur humne wo doodh ko ubala nahi hai, to subah ka doodh raat ko raat tak to wo spoil hone wala hai, right? So wo, now you imagine मॉर्निंग 7 o'clock मैंने दूध उबाला और रात को 8 बजे वो स्पॉइल हो जाएगा, तो मुझे हम लोग की दृष्टि को सुबह वाला दूध और रात वाला दूध, फटा हुआ दूध, इसका हमको डिफरेंस समझ में आ जाता है कि खराब हो गया. मगर योगी की दृष्टि ऐसी है कि वो प्रतिक्षण उस दूध में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसको जान ले सकता है. आई मीन दैट इज हाउ आई कुड एक्सटेंड माई लॉजिक टू दिस कॉन्सेप्ट. What is Aranyaka saying? Yeah, what he says is there is two person whose power is not
he says the yogin does not recognize past and future. For him, everything, is, whatever is relevant, is the present. Therefore, only the present is a reality or the real container of things. By practicing sanyama on present moment, on the flow of mutations that take place every moment, discriminative knowledge is acquired. Okay, so he's watching the mutation, moment to moment mutation. Yes. And that is how the discriminative knowledge is acquired. Knowledge is acquired. Okay. I remember when I was doing my teacher's training program in Yoga Institute Santa Cruz in the year 1993. That time this sutra was being taught. And when you said that mutation word, I remembered, yes, this is the word it used to hit hard on my dimag. मुझे तभी ये म्यूटेशन क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. आई वॉज जस्ट इट वॉज माई एंट्री इन टू द फील्ड ऑफ योगा. आई जस्ट रिकॉल दैट. ओके, 53rd सूत्र. जाति लक्षण देश अन्यता 53. इसमें क्या लिखा है? अन्यता इज डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. एंड हियर ही सेइंग जाति लक्षण एंड देश. व्हाई इज द डिफरेंस? So here he has given jati as gai or bhais, lakshan kali gai, safed gai, or is desh ki gai, us desh ki gai. Aise teen, ye teen, ya teen cha mule, don vastutil anyatesa avachhed, manje vegre pana nishchit hou shakto. So we can differentiate between by jati, by lakshan and by desh, we can differentiate between two things. परंतु तिन्ही मार्गांनी दोन वस्तूतील अन्यतेचा अवच्छेद न झाल्यामुळे जेव्हा दोन पदार्थ अगदी तुल्य दिसतात. सो व्हॉट ही इज सेइंग, ये इनस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरन्सेस वो है ही नहीं, इट इज ऑलमोस्ट सेम, तुल्य है टू ऑब्जेक्ट्स. तेव्हा ही ऐसे में भी योगी त्या तुल्य पदार्थांची प्रतिपत्ती म्हणजे ते परस्परांहून भिन्न असल्याची प्रतीती मागील सूत्रात दिलेल्या विवेकज ज्ञानामुळे होऊ शकते. सो टू अ योगी द टू ही स्टील कॅन डिफरन्शिएट बिटवीन द टू इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर अपरेंटली ऑलमोस्ट इक्वल, तुल्य बळ ऑलमोस्ट तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो वो सेम ही है, मगर उसको डिफरेंशिएट योगी कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि जो प्रीवियस सूत्र में है मोमेंट टू मोमेंट म्यूटेशन वो आइडेंटिफाई कर सकता है. सो दैट इज द विवेकज ज्ञान. सो विवेकज ज्ञान होता है तो वो ऐसा उसका आउटकम, आई थिंक विवेकज ज्ञान का आउटकम इज गिवन इन सूत्र 53. एनीथिंग एल्स इन अरण्यक? अरण्यक जस्ट गिव्स यू एन एग्जांपल. That two similar things means take two balls of gold. Say suppose one was made earlier, say yesterday, and one is made today. If you and I see it, it's the same ball of gold, right? But yeah. Because of his heightened sensitivity, he can make out the difference even in these two balls of gold. That much subtle his sensitivity has become. Okay. Okay, nice example. Yeah. पर ये सब अपने लिए, अपने पहुंच के पूरा बाहर है, हम लोग को खाली सुन के अचंभित होना है. That's all. Coming, I hope we meet someone like that, right? I feel we should meet someone with this kind of discrimination. I tried doing that when I did Chardham in Himalayas. I tried meeting these sadhus, but I could not really meet anyone like this. Some Siddha Purush I wanted to meet, but I was not successful. Maybe next time. I think for Siddha Purush to meet us, we also need to have that kind of sadhana, no? That kind of yoga. Yeah. And let us have that wish. Agar wish rakhi hai, toh fulfill ho jayegi. Desire is the seed, no? Let's sow that seed. Toh kabhi toh wo fructify honi hai. Exactly.
Now 54 तारकं सर्व विषयम. सो विवेक ज्ञान योग्याला तारणारे असते म्हणून ते तारक होय. सो विवेक ज्ञान योगी को का तारणहार करते यानी के तारक करते. सो आई गेस तारक हियर इन द सेंस वो अगर डेइटीज भी उनको आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अप्सराएं भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सो दे वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टिल मूव ऑन. सो आई थिंक दैट इज द तारक. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. त्या ज्ञानाला अविषय अशी कोणतीच वस्तु नसते म्हणून ते सर्व विषय. सो ये विवेक जिस ज्ञान के फीचर्स मिल रहे हैं हमको इस सूत्र में, वन इज द विवेक ज्ञान इज तारक, सेकेंड इज विवेक ज्ञान इज सर्व विषय. Why? Because it is sarva vishay, because it has it knows that no single vishay is out of its context, so it is sarva vishay. त्या ज्ञानामुळे कोणत्याही विषयाचे नुसते सामान्य ज्ञान तेवढे होते असे नसून त्या विषयातील सर्व गुणधर्म आणि अवस्था विशेष यांचेही ज्ञान होत असल्यामुळे ते सर्वथा विषय होत आणि वस्तुगत गुणधर्माधिकांचे ज्ञान विशिष्ट क्रमाने न होता योग्यास इच्छा होताच वाटेल त्या वेळी वाटेल त्या गुणधर्माधिकांचे ज्ञान होऊ शकते म्हणून ते अक्रम होय अशा लक्षणांनी युक्त असे ते विवेकज ज्ञान असते. सो विवेकज ज्ञान का तीन पहलू यहाँ हमको मिल रहा है कि वो तारक है, वो सर्व विषय है, वो सर्वथा विषय है और वो अक्रम है. चार पहलू हो गए. आर यू गेटिंग इट? अक्रम. सो देर इज नो ऑर्डर इन द प्रीवियस सूत्र. ही इज टॉकिंग अबाउट क्षण, प्रायर क्षण, पोस्ट क्षण. सो हियर इट नीड नॉट बी इन ऑर्डर. इट कैन बी एट वंस एंड इट कैन बी नोन इंस्टंटली. दैट इज अ विवेकज ज्ञान. सो आई थिंक ये विवेकज ज्ञान का जो यहाँ पे हम लोग अपनी हिंदी उसमें पढ़ रहे थे ना, आई थिंक इट वॉज टॉकिंग क्लोज सेइंग इट इन अ डिफरेंट टर्म्स. बिकॉज इट सेज पुरुष इज एट प्रेजेंट एवरीवेयर. विवेकजन ज्ञान उसमें क्या लिखा है? दृष्टा सबको सबसे सबको जानने वाला हो जाता है तथा सभी से भली भांति जानने वाला होता है. कट कर दिया फोन. विवेकजनित ज्ञान से पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतना की भिन्नता का ज्ञान होता है तथा इसी ज्ञान को प्राप्त करके योगी अपने को उस प्रकृति तत्व से अलग करके उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाता है जो उसका वास्तविक रूप है. इस चैतन्य पुरुष में स्थित होने से वह इस संसार सागर से जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा स्वयं दृष्टा हो जाने से सबको जानने वाला हो जाता है तथा सब प्रकार से भली भांति जानने वाला होता है. आई थिंक बिकॉज पुरुष इज ओनली वन एंड इट इज ओमनी प्रेजेंट एंड इट इज एवरीवेयर, सो दैट इज वाई अक्रम से भी वो समझ सकते. देयर इज नो क्रम रिक्वायर्ड. इट इज लाइक यू टचिंग अ टिप ऑफ योर टो. Whether you touch a tip of your toe or whether you tip or touch on your forehead, wherever there is a touch, you are able to sense it. Akram. You don't have to touch first toe, this. And only when you come to forehead, you will get to know the forehead. Anywhere you touch on your body, you can sense it. Yeah. Because you are a one being. So in the same context, Purusha is one and complete. So with that context, अक्रम ज्ञान है बिकॉज इट इज सर्वज्ञ एट वंस. उसमें क्या लिखा है? अरण्य बोल रहा है कि अभी तुम बहुत आगे निकल गए. लाइट ऑफ योगा इज नाउ यू आर गोइंग वेयर
until the mind is dissolved. So till then your mind is full of knowledge, but you are now approaching the ultimate stage where even your mind is going to dissolve. Your mind is going to dissolve. Yeah, is so going to dissolve. Dissolve. So you are approaching that kind of state now. Yeah, yeah. So you are almost close to Kaivalya. Yeah. So because mind dissolve, यानी कि mind का identification का quality trace ही निकल गया, so then it becomes one with the large. And yeah, what we call involution, ना? Evolution, yes. Involution. Yes. That is what is happening. Correct. Coming to 55, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये चित्तासे उपादान भूत जे सत्व त्यातुन त्यातुन रजोमल व तमोमल नाही से होत होत ते पूर्ण शुद्ध झाले आणि त्यामुळे त्याच्यात व पुरुषात शुद्धि साम्य झाले म्हणजे चित्ताच्या ठिकाणी कैवल्य सिद्ध होते. सो 55 का ट्रांसलेशन यहाँ क्या दिया है, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनी है, दोनों में भिन्नता, दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है. और इधर ये कह रहे हैं चित्त से उपादान भूत जे सत्व त्यातून रजोमल एंड तमोमल नाही से होता. सो चित्त इज मेड अप ऑफ थ्री गुणस, रज और तमस चला गया, सो उसमें प्योर सत्व ही बचा अभी. एंड देन ऐसे चित्त में और पुरुष में शुद्धि साम्य, जो शुद्धि पुरुष में है, इफ एट ऑल वी कॉल पुरुष की शुद्धि, बिकॉज पुरुष को तो एट्रीब्यूट भी नहीं है, मगर पुरुष में जो है वही के वही सटीक चित्त में भी दिखाई देने लगता है, चित्त भी इतना ही पुरुष के समान दिखाई दे रहा है, तो वैसे चित्त की शुद्धि साम्य हो जाती है. एंड दैट इज द स्टेज वेरी क्लोज टू कैवल्य. ऐसा होने से चित्त में कैवल्य हो जाएगा. See, what Aranya says is, when sattva is there in your still there, so you still have sattva, buddhi sattva. But when right now Kaivalya is in the state where you still have buddhi, but the functioning of buddhi also ceases, that is when you will get ultimate Kaivalya. You have sattva guna, you still have. Yes. That also must go. That's why it is very close to Kaivalya. Abhi ye bhi chala jaye, fir Kaivalya hi hai. You are on 99. Abhi century hone wali. Yeah, 99.99 mein gaya. Okay. Shall we go to fourth chapter? नहीं, ये तीन तो खत्म हो गए, यहाँ पे तीसरा पूरा. मैम 5:30 को सर का क्लास है ना, आई कैन आई लीव? या 5:20 हो गया, 5:30 को है ना प्राणायाम क्लास. सर आएंगे अभी प्राणायाम क्लास के लिए. आर यू डूइंग हिज क्लास? या आई एम डूइंग हिज क्लास, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट लीव. सर विल कम हियर ओनली इन दिस फिजिकल रूम ही सर आएंगे. मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ टू गेट रेडी फॉर योर ब्रेक एंड कम बैक. नो प्रॉब्लम. थैंक यू मैम. या सो आई थिंक वी कैन लीव दिस सेशन. या वी कैन, बट इफ यू वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट सूत्र, देयर वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, रीड इट ना, रीड इट दीपा. हाँ, सो दिस वाज समथिंग अबाउट जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध. मतलब इवन विद औषधि यू आर गेटिंग योर समाधि. सो नाउ अरण्यक इज सेइंग दैट सुपरनैचुरल पावर्स कैन बी अटेन्ड इवन फ्रॉम हर्ब्स. एग्जांपल ऑफ केमिकल्स इज एन असुरा अबोर्ड. म्हणजे आई थिंक ही इज रेफरिंग टू धतुरा. म्हणजे ते हे कॅनबिस ला काय म्हणतात हे लोक? कॅनबिस ला काय म्हणतात? कॅनबिस म्हणजे
यू नो द पॉट दैट यू स्मोक. हाँ वो अफू गांजा चरस टाइप. अफू गांजा. हाँ अफू गांजा से भी तो दैट फॉल्स स्टेट ऑफ समाधि यू रीच. या 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 राइट. He is referring to that idea. That was very interesting. Yeah, yeah. So maybe I'll read this properly next time if you. Yeah, please. We will read it next time. इसको ले लेंगे because you know we had one visitor in our office one day and he was telling us के पतंजलि ने ही endorse किया है अफू गांजा पीने के. Yes. 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 Yeah, that is how people misunderstand and misquote this sutra. So I think that's right. Very important to important to read this it. Properly. So let everybody be there when we take this in the next. When I was in Haridwar, I was tempted to try. I didn't. Ganja chillim, I wanted to try. Maybe I will reach that state, but I didn't try. So let me read this sutra and someday I will do it. ओके चलो नमो नमः नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हेलो हेलो. या या वी आर लीविंग द हा मैडम एक सेकंड. तुम्ही जे बुक म्हणाला ना जे कोल्हटकरांचं हो ते का एक्झॅक्टली नाव काय त्याचं म्हणजे कोल्हटकरांचं भारतीय मानसशास्त्र अथवा पातंजल योग दर्शन. ओके दोन्ही असं नाही म्हणजे त्याचं पूर्ण नावच तसं आहे भारतीय मानसशास्त्र पण अथवा पातंजल सार्थ आणि सविवरण पातंजल योग दर्शन असं मोठं नाव आहे त्याचं. हो का मग मानसशास्त्र जर म्हणजे असं नाव त्याचं त्यांनी पातंजल योग दर्शन म्हणजेच भारतीय मानसशास्त्र असं त्यांनी त्याचं नाव टायटल दिलंय. आणि लेखक कृष्णाजी केशव कोल्हटकर ही खूप जुनी म्हणजे हे खूप प्रसिद्ध पुस्तक आहे. मराठीमध्ये जर बेस्ट कॉमेंट्री म्हटलं तर कोल्हटकरांचंच वाचलं जातं. अच्छा नाही हे चांगलं वाटलं कारण ते हिंदीचं आहे ना ते एवढं रिलेट नाही लगेच होत. हो मराठी शब्द आपल्याला कनेक्ट करतो ना आपण. म्हणजे एकदा मराठीत अंडरस्टँड झालं की ते हिंदीत एक्सप्रेस करता येतं. बरोबर अंडरस्टँडिंग मराठीत झालं तर ते बरोबर होत. होय करेक्ट करेक्ट. ठीक आहे चालेल नमस्कार. अच्छा ठीक आहे थँक्यू. हरिओम 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 नमो नमः.